बाल विकास परियोजना एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सेविकाओं को वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड सभागार में चमकी बुखार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रशिक्षक सह पर्यवेक्षिका अर्चना कुमारी, लवली कुमारी, चंद्रकांता कुमारी, मीनू कुमारी, सरिता सिन्हा एवं स्वास्थ्य विभाग के ऋषि कुमार ने प्रशिक्षण देते हुए चमकी बुखार के लक्षण और इससे बचने के उपाय के बारे में बताया। इस दौरान प्रशिक्षकों ने बताया कि बच्चों को कड़ी धूप में नहीं भेजे और अति आवश्यक कार्य से यदि बच्चों को धूप में भेजना भी पड़े तो ग्लूकोज देने के बाद ही भेजे। साथ ही इसके लक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि चमकी बीमारी में बुखार आना मुख्य लक्षण है, ऐसे में बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस मौके पर सेविका संघ की जिला अध्यक्ष नीतू सिंह, सुधा कुमारी, निभा कुमारी, ऐश्वर्या कुमारी, प्रतिभा कुमारी, लक्ष्मी चंद्रा, मानती राय, निर्मला कुमारी, रीता देवी समेत प्रखंड की सभी सेविकाएं मौजूद थी। चमकी बुखार है, इसके लिए हमें सभी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में क्या बताया गया है? बताया गया कि बच्चा को क्या लक्षण होगा चमकी बुखार आने पर और उसका बचाव कैसे होगा और क्या हम उसके लिए सुरक्षा कर सकते हैं और गांव में घूमकर सब लोग को जानकारी देना है, इससे मुझे जानकारी दी। आज चमकी बुखार अप्रैल से लेकर जून तक बच्चों में होता है, उसी का प्रशिक्षण दिया गया है। सेविकाओं को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है कि सबसे पहले क्षेत्र भ्रमण के दौरान, गृहभेंट के दौरान माता पिता को बताएं कि अपने बच्चों को धूप में नहीं निकलने दें। अगर बच्चा निकलता ही है तो आने पे रात में उसको मीठा भोजन कराएं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का मात्रा कम होने पे बच्चा जो है बेहोशी की स्थिति में हो जाता है ना। और उसके बाद बच्चा को रात में मीठा खाना दें, चीनी पानी पिलाते रहें, कभी खाली पेट ना रहने दें, धूप में ना निकले दें। और गृह भेंट के दौरान सभी माता पिता को जागरूक करें, कहीं भी धूप में निकलने से पहले उसको चीनी पानी का घोल दिला के ओआरएस घोल दिलवा के ही निकालें। अगर तब भी बच्चा को फीवर होता है तो पैरासीटामोल की टेबलेट उम्र के अनुसार उसको देना है, उसके बाद उसको करवट करके लेटाना है और उसको तुरंत किसी पीएससी में एम्बुलेंस से भेजवा दें।